नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह एक स्कूली बस और एक स्कूली वैन की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई है और इस घटना में 4 स्टूडेंट और एक ड्राइवर को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि 13 स्टूडेंट और एक अन्य ड्राइवर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह घटना बदायूं में सुबह करीब 9:45 बजे नवीगंज के पास हुई है। वहीं वैन में सवार 5वीं के एक छात्र ने बताया कि बस ड्राइवर अंकल ने दूसरे हेल्पर को गाड़ी चलाने को दे दिया था और इसी दौरान इस बड़ी घटना को अंजाम मिला है। दरअसल सुबह 9:45 बजे थाना उसावा के सहा गांव के राठौड़ भट्टे के पास सत्यदेव इंटर कॉलेज जवार नंगला मंगाऊ की बस और एसआरपी पब्लिक स्कूल की वैन में ही भिड़ंत हुई है और इस घटना में स्कूल बस और वैन के आमने सामने की यह भयानक भिड़ंत हुई है और वैन की तो पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए थे। वैन के आगे का पूरा हिस्सा गायब हो गया है और उसकी सीटें बाहर निकल आई है। इस घटना में खुशी 6 वर्षीय, हर्षित 6 वर्षीय, प्रदीप 10 वर्षीय, कौशल्य 10 वर्षीय, जबकि ड्राइवर अमेंद्र कुमार 25 वर्षीय को मृत घोषित किया है। ये सभी के सभी लाभारी गांव थाना हजरत के रहने वाले हैं, जबकि 15 स्टूडेंट का इलाज चल रहा है। इस घटना के दौरान मौके पर चेक पुकार मच गई थी और भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके दौरान रोड जाम के हालात बन गए थे। इस घटना के बाद भारी पुलिस भी मौके पर पहुंची है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में राय जरूर दें।